Now we will see how to create stock items in Tally with the help of Suvit in bulk. Bulk upload में जाएंगे, item पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे sample file मिल जाती है, but आप आपकी खुद की Excel sheet भी upload कर सकते हैं. Simply upload पे क्लिक करना है, simply file select करेंगे and upload कर देंगे. Complete पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आपकी Excel sheet map करना है. लेफ्ट साइड पे आपको एक्सेल शीट का हेडर मिल जाएगा. इन बिटवीन टैली फील्ड्स आपको सिलेक्ट करना है एंड फॉर एग्जांपल आपके एक्सेल शीट का डेटा आपको यहाँ पे शो किया हुआ है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइटम नेम मैप कर लूंगा. मेरे पास एचएसएन कोड अवेलेबल है, सो हम यहाँ पे एचएसएन कोड भी मैप कर सकते हैं. आप चाहें तो क्वांटिटी भी मैप कर सकते हैं. जो भी फील्ड आपको रिक्वायर्ड है वो आपके एक्सेल शीट में होना चाहिए एंड देन आप उसको मैप कर सकते हैं. सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे. अगर आपने आपकी एक्सेल शीट के अंदर यूनिट मेंशन नहीं किया है तो वो चीज आप ये स्क्रीन पे सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट ऑल करेंगे, बल्क अपलोड में जाएंगे, यूनिट सिलेक्ट करेंगे. जो भी आपके टैली में यूनिट क्रिएटेड है उसका ड्रॉपडाउन आपको मिल जाएगा. आप उसको सिंपली इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. सिमिलर वे में अगर किसी पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप जीएसटी एप्लीकेबल भी यहां से करवा सकते हैं. सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है फिल करने के बाद आपको डेटा सेव करना है. सेव होने के बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जैसे ही आप सेंड टू टैली पे क्लिक करते हैं आपके सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं सुविद के थ्रू टैली के अंदर. जैसे डेटा कंप्लीट हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सक्सेसफुली का. कंप्लीट का मैसेज आने के बाद आप टैली में स्टॉक आइटम्स चेक कर सकते हैं.